सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं चरखी दादरी आश्रम रोड बाजार की, जहां बृहस्पतिवार को दंदेहाड़े गोलियों की गूंज हुई। आपको तस्वीरों में भागती हुई ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये लोग जमानत पर चल रहे कृष्ण उर्फ फॉरवर्ड पर हमला करने आए थे। इनमें कुछ बदमाश पिकअप में सवार थे और कुछ बदमाश चार बाइकों पर सवार थे। जानकारी के मुताबिक इन्होंने स्कॉर्पियो सवार कृष्ण पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, लेकिन गोलियां सिर्फ गाड़ी में लगी। वहीं ये बदमाश लाठी और डंडों से भी लैस थे। इस दौरान कृष्ण बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से भागा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 6 नामजद सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सूचना प्राप्त हुई कि आपस में दो पक्षों में फायरिंग हुई थी, जिसके आधार पर 6 लड़के भाई ने और 8-10 अन्य खिलाफ एफ आई आर दर्ज की हुई और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मौके के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी भी चेक कर रहे हैं और जो जांच में जो भी सच्चाई सामने आएगी उसकी अनुसार कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ये मामला पुरानी रंजिश का है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ के दौरान ही मामले का सही खुलासा हो पाएगा। वहीं पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। दादरी से विजय कुमार, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।